डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है अकेडमिक्स And arts का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू उनके साथ जो है मेरे को कल चार साढ़े चार बजे फोन की थी उसने मैं काम पे थी बेलदारी में mm. तो उसने बोल रहा है माँ मेरे को आके लेके चल तो मैंने कहा कहाँ है तू mm. तो कह रहा मैं ससुराल में हूँ मेरे को सुभाष नगर लेके आ रही है और यह तलाक के साथ मुझे छोड़ने आ रहा है तलाक भी दे, दे देंगे वहीं तो मैंने कहा ऐसा क्या बात हो गई तो कह रहा मेरे जेट ने मेरे साथ छेड़छाड़ की है और जो है ये छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो मैंने कहा ऐसे कैसे छेड़ रहे तो कह रहा हाँ माँ मेरे साथ छेड़छाड़ किए और जो है वो छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तलाक देने के लिए तो मैंने कहा बेटा मैं तो काम पे हूँ तो उसके आदमी ने बोला आपकी छुट्टी कितने बजे होगी मैंने कहा छः बजे तो कहे ठीक है पाँच छः बजे तुम्हारे को फ़ोन करके मैं बुला लूँगी मैंने कहा ठीक है बुला लेना फिर मैं छः बजे सात बजे तक रास्ता देखी फ़ोन पर फ़ोन कर ही जा रही हूँ लेकिन उसने कोई फ़ोन का जवाब नहीं दिया फ़ोन नहीं उठाया फिर मैं साढ़े बजे उसने फिर लगाया तो मैंने कहा रेशमा से बात करा दो तो करा रेशमा अभी दवा खा के सो रही है तो मैंने कहा इतनी देर से मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन क्यों नहीं उठाया मैंने सत्तार को भी फ़ोन किया था तो सत्तार ने बोला मैं समझा के बात करा देंगे वो थोड़ा दिमाग का थोड़ा पागल है तो वो समझ नहीं रहा है मैं उसको समझा देंगे कोई भी बात हो तो मैं सत्तार को ज़रूर बोलती हूँ फिर जो है उसने नौ मिनट में पे मैंने फ़ोन किया फिर उसने वही बात बताया कि अभी वो सो रही है दवा खा के मैंने बोला ठीक है सो रही है तो कितने बजे आऊँ तो कह रहा नौ दस बजे तुम सुभाष नगर आ जाना मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे फिर उसने बोला ग्यारह बजे फिर फोन आया तो उसने बोला क्या कि वो तो अल्लाह के प्यारी हो गई है रेशमा मैंने कहा ऐसे कैसे प्यारी हो गई है मैं तो नहीं मानती ये बात तो कह रहा नहीं मानती है तो विक्टोरिया में आ जा देख लो अपने आँख से मैंने कहा ठीक है मैं विक्टोरिया आ रही हूँ मैं ग्यारह बजे विक्टोरिया आया पूरा विक्टोरिया छान मारा फिर इमरजेंसी में जाके पूछा फ़ोटो वोटो दिखाया तो कह रहा हाँ रेशमा नाम की एक पेशेंट आई हुई है उसका वास किया जो वो छोरी मर गई है तो उसका लाश जो है चीर घर में रखी हुई है आप वहाँ जाके देख सकते हो आप मुकदमा दर्ज मैं सत्तार फरीदा बशीर नसीर शकूर हमीदा बीबी कौन है ये लोग ये हाँ सब ससुराल वाले है कौन से थाने में दर्ज नागौर थाना आपका नाम मेरा नाम सलमा बीबी मेरी बेटी है वो रेशमा हमारे पास टेलीफोन सूचना मिली कि भाई एक बवाड़ की रेस माँ वाइफ ऑफ नशीर उम्र बाईस साल जो जहरीली वस्तु खाकर अजमेर जेल में भर्ती हुई थी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई तो कार्रवाई हेतु आप आवे तो हम आए हैं और अब जैसे लड़की के माता पिता जो भी जैसी रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी और हमारे उच्च अफसरों को सूचित कर दिया गया है परिजन जो पीड़ित वो आरोप लगा रहे हैं इस वक्त हाँ हाँ परिजन जो भी रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट के मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी ये बात है सर आपका नाम है ना। मेरा नाम है सर दया राम कॉन्स्टेबल और मेरा नाम पुलिस थाना पीलवा अपने नागौर में पड़ता है ये बात है पीलवा पीलवा